पहला आड़े कोई भी इबठाट ना रहे, जोड़ ऊपर नाया करते गाट ना रहे, गीतोल्या करती दादी वे बाट ना रहे, धोती खंडके आड़े इब जाट ना रहे, पैदल चाल के जाया करते बाट ना रही, बाल कांपे पड़या करती डाट ना रही, दरवाजे में गली हुई खाट ना रही। ऐसे ऐसे गीत बनते थे। चलो आज देखते हैं, अपने गांव की सैर करते हैं आप सबके साथ। सब हमेशा पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो चलो आपको आज अपने गांव की सैर कराते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट, ताज़ी हवा, कितना मज़ा आता है। टाइम मिलते ही ब्लॉग डालती हूँ, बट बहुत ज़्यादा मैं लेट हो जाती हूँ। तो ये ब्लॉग है दिवाली टाइम का, क्योंकि दिवाली के टाइम पर हमारे खेत में, गांव में धोख लगती है, तो उसी टाइम पे हम धोख मारने गए थे। ना कुछ नहीं लगती मरे, सब बढ़िया। आप गांडर गए? गांडर, अच्छा, सरसों के साग में काम आती है जो, है ना? सब अच्छा। डॉगी भी बैठे हैं। हेलो। ये हमारे जो दादा हैं वो आर्मी में शहीद हो गए थे बहुत पहले टाइम पे, तो ये उनकी पूजा होती है जो हमारे पितर होते हैं। तो चलिए आप सब भी इनका आशीर्वाद ले लीजिए। ये खेत में ही इनकी जगह बनी हुई है जिसको मंडी कहते हैं, वहाँ पे है। इधर शूज़ उतार दिए हैं, अभी यहीं पे मम्मा पहुँचते हैं। यहाँ पे ऐसे जबान में को ऐसे जब चलेंगे ना तो ऐसे पैर दसते हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है चलने में। ये मेरी मम्मी की शादी हो रखी है इस गांव में, है ना मम्मी? तो इसलिए हम सब का ही गांव। गोलू, मम्मी सुहागा है नी, यो भाई ले जा, देखिए ऊपर चुठा के ले जा, है ना मम्मी? के क्या करे मम्मी इसने, है? हाँ, जो ये भाई लेके जा रहा है ना, ये शूज ऐसे हो गए हमारे गोलू के, और ये सारा गिल्ला तो पहले इसमें दस किया। हाँ, क्या फील हो रहा था गोलू तेरे को, बताइए एक बार। अच्छा, इसको यहाँ पे इसमें ऐसा लगा फील में, धरती में, कि इसको अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, और दलदल जैसा। दलदल नहीं होता बेटा, इतना अंदर नहीं जाएंगे इसमें, बस हाँ जूते वूते धस जाते हैं, बस इतना ही जाएंगे, डूबने का इसमें चांस नहीं होता। प्यारा गांव है बुडाणा, यही सार जिले में है, जो कि जो राखी गढ़ी है, जहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति के पूरे गांव मिले हैं धरती के नीचे अवशेष। वहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। तो ये उससे जस्ट 2 या 3 किलोमीटर्स दूर ही है हमारा गांव बुडाणा। तो चलो आप सब भी इसमें मस्ती करने आ सकते हैं, आज हमारे साथ मस्ती करिए। पापा देखो कहाँ गए हैं, भाई। राम राम। हाँ ठीक है, बढ़िया। अच्छा पापा प्रसाद दे, अपने खेत बताइए मम्मी कहाँ से कहाँ तक के हैं? उसको ऊपर को लिया कोठा को, ऊपर जो जो ओ वाला कोठा है, उस ए जो यो है जामण के पीछे भी जो कोठा है वो वाला है ना, उसके ऊपर ले ले परला दो,
सीधा लिया फिर कमी पे वहां से लेके। अरे पापा लग रहे कोठे तो रहे अमरूद छांगण भाई लग रहे ये सारे हैं। ये है अपने यहाँ पे इस वाले खेत में अपने 16 किले हैं ताऊ के और पापा और के, है ना मिस के मतलब दोनों भाइयों के इधर 16 किले हो गए। और ये है दूसरे दादा और के इस जोड़े तो इन्हें ये है ऐसे मतलब है सारे अपने सारे लेकिन इन्होंने है थोड़े से मैं भी भूल जाऊँ एक बार। ये सब दो कुमार लाग रहे दिवाली की ये दो कुमार लाग रहे हैं अपने दादा की आठ लागे आ गए पीपल तले ये बच्चे जा रहे हाँ। अच्छा किससे पापा समझ कर वो हाँ बंद अच्छा इसने गिरडी बोला है ना गिरडी है या गिरडी हाँ क्या हुआ या या एरो छोटी ये जो बड़े दिखले बंदियाँ कर दी है ना। अच्छा यस ये इज माय यंग फादर पापा कदे लग जाए रुक जाओ पापा उस पे अड़ रही है हाँ अरे पत्थर वाली गिरडी है ना हाँ। वेरी गुड पापा बताइए अपने खेत कित कित है हाँ अच्छा ये आगे में तीन तीन लाइन वाले तीन तीन किले की लाइन में आगे लोग है ऐसे रोज आके बाकी सारे उड़े हैं कितियाने में रोड़े हुए है ना ये ताऊ के और पापा के मिक्स करके अरे वो अरदा जोड़ बहुत सारा किसमें इसमें ये जो जोड़ी जड़े दो मार आप हां अच्छा पहला हां मैं बैठा 20 साल तो मैंने देखा पापा और पहला होगा वो कदे नहीं तब छोटे थे तो जब था ये ठीक टोटल हूं क्या है सारे खेतों के मिला के अपने 23 है बड़े ताऊ के अपने मिला के है नी टोटल लगभग 23 हो गए 23 से थोड़े ऊपर 24 पूरे को नहीं बस 24 से थोड़ा सा कम है तो ऐसे है टोटल बड़े ताऊ के अपने मिला के मतलब लगभग 12 इतने हैं 12 पापा के 12 बड़े ताऊ जी है। कोठे में मेरी गुड़िया ने बनाई है स्वीट सी रंगोली और ये सब ये मम्मी बैठ गए बिजली का अपना वाह यीशु बाबा का झंडा लहरा दिया हमारी कुड़ी ने वाह सारे बच्चे वेरी गुड ये ससुर के सामने एक घूंघट काढ़े हमारी दुल्हन खड़ी है बन गया है यस वाओ वेरी गुड। फिर गए हम गांव में दादा खेड़ा की दोक लगाने जय हो दादा खेड़ा की। और ये हमारे गांव का मंदिर जहाँ पे जिंदा बाबा भी समाये थे उनकी समाधि भी है। यहीं पे बाबा समाये हुए थे ये है पुराना कुआं आते ना जो पुराने वाले वाले जो पुराने गीतों में आता था ना कि जोड़ पे नहाया करते हुए घाट ना रहे तो ये है वो घाट। ये हाथ में घाट है कुआं है जहाँ पर हम बचपन में देखते थे सब लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते थे और इतना अच्छा लगता था देखने में लंबी रस्सी दूर तक खींचते थे और सब पानी भरते थे। ये यहाँ पे ये बीच में पुल्ली है लोहे की ये कुएं होते थे ना पहले वाले वो है ये है फुल लेक व्यू क्या पेड़ ये पुराने ये पुल्ली होती थी
ये है हमारी परस। वाह कितनी सारी बटरफ्लाइज है, ब्यूटीफुल। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। गांव में खेत के पास ही किसी ने बहुत ही प्यारा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। वाह कितना अच्छा लग रहा है सा। अभी ऐसे वाटर पार्क यूज होते हैं, वैसे ही किसी का घर था पहले। बहुत अच्छा फार्म हाउस है जो खेतों में बना हुआ, बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में बना हुआ ऐसे। अनार लगे हुए, भोलेनाथ। अभी यहाँ पे ग्रीन ग्रास की कटिंग चल रही है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ये बनाए हुए हैं स्कल्पचर्स टाइप, स्टैचूज, परी, टाइगर, हिरन सब बनाए हुए हैं। जो रैंप बना हुआ है यहाँ से गाड़ी सीधा फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर है वहाँ तक जाती है। तो बना रहेगी फिर तो है।